नमस्ते सभी प्यारे दर्शकों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है और बहुत दिनों बाद स्वागत है आपके अपने चैनल गार्गी द कलाकार में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अब मैं और क्या बना सकती हूँ। तो ये किसी ने मुझे बोला था कि कार्डबोर्ड का क्या क्या यूज़ हम और कर सकते हैं। तो घर पे काफ़ी कार्डबोर्ड हमारे पे पड़े रहते हैं, जैसे हम कुछ भी मंगवाते हैं तो उसमें कार्डबोर्ड आता है, या फिर कोई भी बड़ी चीज़ लेते हैं कार्डबोर्ड वगैरह साथ में आते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो मेरे पास भी काफ़ी कार्डबोर्ड पड़े हुए हैं। और मेरी गुड़िया ने थोड़े दिनों पहले एक मेरे मोबाइल पे ही मैं ऐसी चीज़ें देखती रहती हूँ, तो उसने देखा था एक मून देखा था, उसको प्लैनेट्स बहुत पसंद है और उसने मुझे कहा था मम्मा मून कितना प्यारा दिखता है ना, हम भी बनाएं, ऐसा बोला था। तो मैंने सोचा नॉट अ बैड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है, तो चलो मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें प्रोग्रेस में हैं बनाने के लिए, पर अब ये मेरी बेटी की इच्छा थी और उसे नकार तो मैं सकती नहीं हूँ इस वजह से। और ये दिखता भी बहुत सुंदर है, हम इसमें अच्छे खासे टेसल्स भी लगाने वाले हैं। और आपको मैं बता दूँ, जो टेसल्स हम आप घर पे बनाने की बहुत इच्छा होती होगी बहुत जनों को, काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं क्योंकि हम वुलन वाले बना लेते हैं, और या फिर ये जो रेशम के धागे की गट्टी आती है उसके बना लेते हैं। पर अभी मैं कॉटन के टेसल्स बनाने वाली, कॉटन के धागे, वाइट कलर के धागे आते हैं जो सुंदर फिनिशिंग में होते हैं, मतलब थोड़े से शाइनी होते हैं और महंगे भी नहीं होते, वो मतलब 30 रुपये का पूरी गट्टी आती है बड़ी, आप वीडियो में देखिएगा, उससे बनाने वाली हूँ। तो वो अच्छे खासे एक गट्टी से जो 30 से 35 रुपये की आती है, उस गट्टी से लगभग बड़ी की साइज़ की जो मैंने साइज़ बनाई है उस साइज़ में बनाना चाहे तो 9 टेसल्स बन सकते हैं, और छोटे छोटे तो काफ़ी बन सकते हैं। तो इसलिए अगर आप टेसल्स बनाना चाहते हैं तो वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर वो कॉटन के आते हैं इसलिए आप अगर उसमें दूसरा कलर चढ़ाना चाहें तो वो भी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर चिपका करके उसको वाइट टेप आती है उससे कवर कर लिया है। ये वाइट टेप पेपर वाइप टेप आती है, वो है जो हार्डवेयर की शॉप पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। और बस अब मैंने ले ली है पुट्टी, आज हम पुट्टी का यूज़ करेंगे। पुट्टी में हल्का सा पानी मिक्स करके अच्छे से उसको हिला लीजिए, आपको जिस तरीके का टेक्सचर देना है उस अकॉर्डिंग आप उसे ढीला या फिर टाइट रखिए, क्योंकि आपको जिस तरीके से देना है। अब इसमें मुझे ऊबड़ खाबड़ तरीके का ऐसे बनाना था, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा लिक्विड बेस, मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं पर थोड़ा सा लिक्विड रखा है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखा है, आप देख सकते हैं। हाँ, कोई शेप आप हाथ से उसे नहीं दे सकते हैं, डो के जितना टाइट नहीं है वहाँ, हल्का हल्का आप आराम से ऐसे फैला सकते हैं पुट्टी को, जिस पुट्टी के टाइम पे जिस तरीके की थिकनेस होती है वही थिकनेस मैंने ली है और उसको मैंने अब उसके ऊपर फैला दिया है। पुट्टी की सबसे अच्छी चीज़ यह होती है कि वो हल्की होती है, आप उसकी कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो हल्की बनेगी, भारी नहीं होगी, ये उसकी खासियत होती है। और इस वजह से मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि चलो हैंगिंग में भारी चीज़ नहीं रहेगी तो वो नीचे नहीं गिरने का और आराम से कुछ भी बना सकते हैं, वो बहुत सारे अच्छी चीज़ें हो जाती हैं भारी होने की वजह से। काफ़ी चीज़ें हम बना नहीं पाते कि नहीं सीमेंट वगैरह से और से, क्योंकि वेट होने की वजह से नहीं मज़ा आता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पुट्टी तो चारों तरफ से लगा ली है। अब मून जो है रियलिटी में तो बहुत उबड़ खाबड़ जैसा है, जैसा कि पृथ्वी ही होती होगी वैसे ही है, मतलब काफ़ी गड्ढे हैं उसमें, और हम उसी तरीके का टेक्सचर इसको देंगे, हल्का हल्का जहाँ पर भी हमको लगेगा हम अपने हाथ से ही उसे सारा टेक्सचर दे देंगे। लाइक जो गड्ढे होते हैं देखिए, मैं ना उंगली से ऐसे राउंड राउंड करके उसमें जो
डॉट्स दिखते हैं वो, और ये सब बना लूँगी। ये मैं शूट नहीं कर पाई थी, पर एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, इसमें मैंने एक और चीज़ का यूज़ करा है, वो है वर्क। आपने देखा होगा कि मिठाई की शॉप पे जब हम कोई मिठाई लेने जाते हैं तो उसके ऊपर चांदी का वर्क होता है, और मुझे चांदी के वर्क का यूज़ अब एक पेंटिंग में करना है, तो मैंने ला रखा हुआ था, तो मैंने चला सोचा चलो इसका भी थोड़ा सा यूज़ करें और थोड़ा सा शाइनी इसको बना दिया जाए। तो कहीं कहीं पर ही मैंने वर्क भी लगा दिया है, आप इसमें शायद आपको नहीं मिलेगा वो, क्योंकि मैं उसको शूट नहीं कर पाई थी, पर लास्ट में आप जब पूरा देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ, अब पुट्टी हो या कुछ भी चीज़ हो, मैं तो ज़रूर से टिश्यू पेपर यूज़ करती हूँ ग्लू लगा करके। जब ये सूख जाता है तो ग्लू लगा लो और फिर उसके ऊपर टिश्यू पेपर चिपका दो, इससे क्या क्रैक नहीं आता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि क्रैक नहीं आता है, तो इस वजह से मैं ये ज़रूर से करती हूँ। तो मैंने ग्लू लगा दिया है, सूख जाने के बाद ग्लू लगा करके उसके ऊपर बटर पेपर टिश्यू पेपर चिपका दिया है, और बस अब जैसा प्रोसेस चलता है वैसा ही उसको वापस से एक बार सूखने दीजिए और ये तैयार हो जाएगा। अब आप देखते रहिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।
तो चलिए, अब चांद बनाया है तो स्टार तो बनने ही हैं। तो स्टार बनाने के लिए मैंने होममेड क्ले जो कि मैंने बनाया है, अगर आप नए हैं और आपको देखना है कि वो क्ले कैसे बनाया है तो आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं वो कैसे बनाया है, बहुत इजी है, आप ज़रूर से देखें। और बस उसी का यूज़ करके मैंने उसको डो बना दिया, और डो बना करके एक्चुअल में मुझे चाहिए था स्टार्स का साँचा, पर मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया, और इस वजह से मैंने एक पेपर पे स्टार बना करके उसका शेप मैंने क्ले पे रखा और कटर से कट कर दिया। तो इस तरह से मेरे पास स्टार तैयार हो गए। अगर साँचा मिल जाता तो ईजी रहता, पर ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपका ये भी तरीका अच्छा ही है, इट्स नॉट बैड आइडिया, ये सही है तरीका है अगर आप ऐसे बनाना चाहे तो। तो बस इस तरीके से स्टार बना लिए हैं। इसके ऊपर मैं वाइट कलर की कलर कर दूंगी, और इस पर भी मैंने फैब्रिक कलर का ही एक शाइनी और शिमर टाइप का सिल्वर पाउडर, गोल्डन पाउडर आता है, उसका यूज़ करा है। और वाइट कलर के ऊपर उसको जब रब करते हैं ना तो एकदम सिल्वर सिल्वर दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, तो वैसा करा है। धागे के कुछ टेसल्स बना करके मैंने इस स्टार के नीचे सूखने के बाद लगा दिए हैं सुई धागे की मदद से। ये देखो मैंने होल कर दिया है, और इसी होल में मैं एक जगह टेसल और एक जगह से स्टार को हैंग करूँगी, और बन जाएगा मेरा स्टार हैंगिंग डेकोरेटिव आइटम। इसको मैं तो बोलूँगी ड्रीम कैचर, क्योंकि इसके नीचे काफ़ी टेसल्स मैंने लटकाए हैं। और आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ बताइएगा अपने दोस्तों के साथ, शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ फुल वीडियो देखिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो दूसरी मेरी और भी वीडियोज़ हैं, वो भी आप ज़रूर से देखें। थैंक यू।